Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGCNET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGCNET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best. Please enjoy the video. Okay. कल हम लोग decoder study कर रहे थे. Decoder में हम लोगों ने binary decoder and non-binary decoder study किए थे. और साथ ही साथ हम लोगों ने active low decoder के लिए trick भी study कर ली थी. तो basically आज हम decoder को ही continue करेंगे. और decoder में जो next important topic हमें study करना है, that is higher order decoder by using lower order decoder. So higher order decoder, suppose करो अगर आपको 4 cross 16 बनाना है by using 2 cross 4, so 4 cross 16 using 2 cross 4, meaning क्या है इसका कि suppose करो अगर आप lab गए और lab जाकर आपको use करना था 4 cross 16, but आपके पास लैब में सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 4 के डिकोडर अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, आप 2 क्रॉस 4 के डिकोडर को ही कंबाइन करके क्या बना लोगे, 4 क्रॉस 16. ठीक है, सेम थिंग हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर में भी स्टडी की थी, बट मल्टीप्लेक्सर का जो प्रोसेस है और यहां पर जो प्रोसेस है वो एंटायरली डिफरेंट है. तो आप फिर से बिल्कुल न्यू तरीके से देखोगे इसको. तो यहां पर ध्यान से देखो आपका टारगेट क्या है. पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए आपका टारगेट है कि आपको 4 क्रॉस 16 डिजाइन करना है. ठीक है, और आपके पास है क्या, आपके पास है 2 क्रॉस 4. सो यहां पर 4 क्रॉस 16 अगर आपको डिजाइन करना है, दैट मींस आपके पास टोटल 4 इनपुट्स होंगे. ठीक है, ए बी सी डी आप ले सकते हो और 16 आपको आउटपुट्स चाहिए. क्लियर यहां तक. अब आपके पास जो अवेलेबल है दैट इज 2 क्रॉस 4. सो 2 क्रॉस 4 में आप कितने इनपुट एक टाइम पर दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है. टोटल आपके पास 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी. सो 2 क्रॉस 4 में हम कितने इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, 2 इनपुट्स. सो सपोज करो 2 क्रॉस 4 में अगर मैंने 2 इनपुट्स ले लिए ए और बी, तो यहां पर ना पूरा प्रोसेस आपको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना है. सो ए और बी जो आपने इनपुट लिए हैं, आपको याद होगा कल मैंने आपको समझाया था कि डिकोडर तभी वर्क करता है जब इनेबल हाई हो. अगर मैं सिंपली बात करूं एक्टिव हाई डिकोडर की, सो अगर मैं 1 2 क्रॉस 4 की बात करता हूं तो उससे मुझे 4 आउटपुट्स मिलते हैं. ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको टोटल 16 आउटपुट चाहिए बिकॉज यू वॉन्ट टू डिजाइन 4 क्रॉस 16, बट आपको अभी टोटल 4 आउटपुट्स मिले हैं. एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि आपके पास टोटल 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी और आपने अभी तक सिर्फ 2 इनपुट्स यूज किए हैं ए और बी, तो सी और डी इनपुट्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं. तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपको 16 आउटपुट्स चाहिए तो फाइनल स्टेज में ऑलवेज आपको 4 डिकोडर यूज करने होंगे, क्योंकि अगर आप 4 डिकोडर फाइनल स्टेज में यूज करते हो 4 2 क्रॉस 4 डिकोडर, तो आपको 16 आउटपुट मिल जाएंगे. तो डिकोडर को डिजाइन करते टाइम इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप डायरेक्टली पहले फाइनल स्टेज के बारे में सोच लो. फाइनल स्टेज में आपको 16 आउटपुट्स चाहिए और 1 2 क्रॉस 4 आपको 4 आउटपुट्स देता है, दैट मींस फाइनल स्टेज में आपको 4 डिकोडर तो यूज करने ही पड़ेंगे. अब हर एक 2 क्रॉस 4 के लिए आपको 2 इनपुट्स देने पड़ेंगे. तो यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक स्टेज में यूज किए जाने वाला इनपुट ऑलवेज सेम होगा. दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आपने एक स्टेज में 4 डिकोडर यूज किए एक सीक्वेंस में, एक लाइन में 4 डिकोडर्स, तो हर एक डिकोडर में
जो आप इनपुट्स दोगे वो सेम होंगे. सपोज करो अगर मैंने यहां सी डी दिया है तो सेकेंड वाले के लिए भी सी और डी देना होगा, थर्ड वाले के लिए भी सी और डी, एंड फोर्थ वाले के लिए भी सी और डी. ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा. और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेज में जो आपने इनपुट यूज कर लिए वो आप कभी सेकेंड स्टेज में यूज नहीं करोगे डिकोडर के डिजाइनिंग के टाइम पे. ठीक है, तो मेरे पास सपोज करो टोटल फोर इनपुट्स थे ए बी सी डी, क्योंकि मुझे डिजाइन करना है 4x16. तो मैंने अगर फर्स्ट स्टेज में ए बी यूज किए हैं तो सेकेंड स्टेज में मैंने सी डी यूज किए हैं. नाउ यहां पर 16 आउटपुट्स तो मुझे मिल गए, ठीक है, और अगर मैं यही दो स्टेज कंसीडर करूं तो मेरे चारों के चारों इनपुट भी यूज हो गए हैं. यहां पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो चार आउटपुट्स मिल रहे हैं फर्स्ट 2x4 से, ये आपके अब किस तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये फोर आउटपुट्स इनके इनपुट की तरह वर्क तो नहीं करेंगे, क्योंकि इनपुट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है कि इनपुट आपको क्या लेना है, जो वेरिएबल्स आप डिसाइड करोगे. 4x16 डिजाइन करना था तो आपने फोर वेरिएबल डिसाइड कर लिए थे. तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी कि ये जो आपने फोर डिकोडर ड्रॉ किए हैं, हर एक डिकोडर को क्या चाहिए, एक इनेबल चाहिए वर्क करने के लिए. तो एक्चुअल में करना क्या है आपको, आपको पहले फाइनल स्टेज ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, फाइनल स्टेज ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है फाइनल स्टेज में आपने कितने डिकोडर बना लिए हैं. उतने डिकोडर के लिए आपको इनेबल चाहिए, तो आपने फाइनल स्टेज में फोर डिकोडर ड्रॉ किए थे. क्यों? क्योंकि आपको 16 आउटपुट चाहिए थे. तो एक 2x4 से फोर आउटपुट मिल रहे थे तो आपको 16 आउटपुट मिल गए. तो फाइनल स्टेज में फोर डिकोडर ड्रॉ कर लेने के बाद आपको समझ में आ गया कि आपको फोर इनेबल लाइंस चाहिए, क्योंकि हर एक डिकोडर को वर्क करने के लिए इनेबल चाहिए. तो आप एक और 2x4 यूज करोगे इनिशियल स्टेज में, जिसके फोर आउटपुट्स मिलेंगे, और एक्चुअल में हर एक आउटपुट वर्क करेगा अगले स्टेज के लिए इनेबल के जैसे. मींस जो आपका फर्स्ट डिकोडर आप यूज करोगे, फर्स्ट डिकोडर किसी भी सर्किट में फर्स्ट डिकोडर, उसका जो इनेबल होगा वो एक्सटर्नल होगा, मींस एक्सटर्नल सप्लाई. लेकिन जो आगे के स्टेजेस होंगे उनमें जो डिकोडर लगे होंगे उनके जो इनेबल्स होंगे वो प्रीवियस डिकोडर के आउटपुट्स होंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट है. मैं अभी आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा इसके बाद, लेकिन सबसे पहले हमें इसे अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हमें इनपुट्स देने हैं, किस तरीके से हमें इनेबल अप्लाई करने हैं. यहां पर 4x16 हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ये आपके फोर इनपुट्स हैं वो सारे के सारे यूज हो गए, फाइनल आउटपुट्स आपके 16 आउटपुट्स आ गए. तो क्या ये जो आपका कंप्लीट सर्किट है एक्चुअल में क्या ये 4x16 के जैसे बिहेव कर रहा है, इसे भी एक बार हम चेक करते हैं. तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने प्योर बाइनरी डिकोडर स्टडी किए थे, उसकी मीनिंग क्या थी कि जो आउटपुट्स लाइन होंगी वो 2 की पावर इनपुट लाइन होंगी. तो यहां पर इनपुट क्या है 4 और आउटपुट क्या है 16, मींस ये प्योर बाइनरी डिकोडर है. तो हम चेक कर लेते हैं ए बी सी डी 0000 0001 0010 0011 अप टू कहां तक चला जाएगा आपका 1111, ठीक है ना. यहां पर कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, Y15 Y14 अप टू कहां तक Y0. तो 0000 किसी एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए कोई एक आउटपुट हाई होता था, तो 0000 के लिए कौन हाई हो जाएगा Y0, बाकी सब क्या रहेंगे आपके 0. 0001 के लिए कौन हाई होना चाहिए Y1, और 1111 के लिए कौन हाई होना चाहिए Y15. तो ये हम लोगों ने कल स्टडी किया था, ये बेसिकली आपका एक 4x16 डिकोडर होना चाहिए. बट क्या जो हम लोगों ने अभी सर्किट डिजाइन किया है क्या वो सेम आउटपुट देने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना. तो यहां पर आप देखो ए और बी, अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन चेक करूं 0000, तो क्या Y01 मिल रहा है, क्या Y0 हाई होगा इस सर्किट के थ्रू. तो आप देखो 00 अगर आप AB पुट करते हो, पहला कॉम्बिनेशन क्या है ABCD ऑल आर जीरोस,
तो ए बी अगर आप 0-0 पुट करो तो डिकोडर, कल जो हमने 2x4 डिकोडर पढ़ा था, 0-0 पर कौन सी लाइन हाई होगी? ये फर्स्ट वाली Y0, याद होगा? तो 0-0 पर आपकी फर्स्ट लाइन हाई हो जाएगी, ठीक है, 0-1 पे सेकेंड लाइन, 1-0 पे थर्ड लाइन और 1-1 पे फोर्थ लाइन। लेकिन अभी आपका ए और बी क्या है, 0-0 है, तो ए और बी के 0-0 होने पे फर्स्ट लाइन आपकी हाई हो गई। ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये बन रही है फर्स्ट वाले डिकोडर का इनेबल। जब ए और बी 0-0 होगा 2x4 में तो फर्स्ट लाइन हाई होगी, बाकी तीनों लाइन क्या होंगी आपकी, लो होंगी। मींस जो बाकी के तीन डिकोडर हैं उनके लिए इनेबल लो होगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला डिकोडर है उसके लिए इनेबल क्या हो जाएगा, हाई। दैट मींस जब ए और बी 0 होगा तो आपका सिर्फ फर्स्ट डिकोडर काम करेगा, क्लियर है ना? तो जब फर्स्ट डिकोडर काम करेगा ए और बी के 0-0 होने पर, साथ में सी और डी भी क्या है, 0-0 है, क्योंकि हमें तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना है, ए बी सी डी 0-0-0-0। तो जब सी और डी 0 होगा तो अगेन ये 2x4 है, 0-0 पे फर्स्ट लाइन आपकी हाई हो जाएगी जो कि क्या बनेगी, Y0। आप देख सकते हो 4x0 पे क्या आ रहा था, Y0। नाउ जब आप बात करते हो अगले कॉम्बिनेशन की 0001, तो यहां पर भी देखो ए और बी 0-0 है 0001 के लिए, तो फर्स्ट लाइन हाई होगी तो फर्स्ट डिकोडर काम करेगा। अब सी और डी कितना है, 0-1, 0-1 पे जब सी और डी 0-1 होगा तो कौन हाई हो जाएगा, Y1। नाउ अगर आप लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए चेक करते हो 1-1-1-1, तो जब ए और बी 1-1 होगा तो कौन सी लाइन हाई होगी, फोर्थ वाली। ये फोर्थ लाइन जो है वो किससे कनेक्टेड है, फोर्थ डिकोडर से। नाउ सी और डी भी क्या है आपका लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए 1-1, तो जब सी और डी 1 होगा 1-1 फोर्थ डिकोडर के लिए, तो कौन सी लाइन हाई हो जाएगी आपकी, फोर्थ लाइन, दैट मींस Y15। तो इस तरीके से आपको एक टाइम पे एक आउटपुट ही हाई मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए, क्योंकि अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा आउटपुट हाई मिल जाए तो वो डिकोडर नहीं होगा ना फिर। तो यहां पर हमने ये किस तरीके से किया, हमने इस तरीके से किया कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिकोडर वर्क करे, ठीक है। अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा डिकोडर वर्क करते तो फिर एक से ज्यादा आउटपुट आपको हाई मिल सकते थे, क्लियर है अच्छे से। ऑल दो अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करूं तो आपको सिर्फ नंबर बताना होता है। तो अगर नंबर हम काउंट करते हैं 4x16 यूजिंग 2x4, तो टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल है आपके 5 डिकोडर्स, क्लियर है अच्छे से ये कंसेप्ट। मैं अभी एक और एग्जांपल आपको देने वाला हूं सेम कंसेप्ट पे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो 6x64 यूजिंग 2x4। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पर, 6x64 यूजिंग 2x4। तो यहां पर अगेन आपके पास 2x4 डिकोडर्स है, बहुत सारे हो सकते हैं। आपको 2x4 डिकोडर का यूज करके डिजाइन क्या करना है, 6x64। तो जैसा मैंने आपको बोला जो डिजाइन करना है उसके बारे में सोचो। डिजाइन जो करना है उसमें आपके पास 6 इनपुट्स हैं, तो उनके नाम लिख लो आप ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। जो डिजाइन करना है उसमें 6 इनपुट्स हैं। नाउ हमेशा क्या करो, मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा फाइनल स्टेज की तरफ जाओ। फाइनल स्टेज मींस फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट कितनी लाइंस चाहिए आपको, 64, और एक टाइम पे 2x4 डिकोडर जब आप यूज करोगे तो कितनी लाइंस मिलेंगी हमें, 4। तो अगर एक 2x4 से 4 लाइंस मिलेंगी और वी रिक्वायर्ड 64 लाइंस, सो कितने डिकोडर रिक्वायर्ड होंगे हमें, 16, ठीक है। तो फाइनल स्टेज में अगर आप 16 2x4 डिकोडर यूज करोगे तो आपको फाइनल आउटपुट पे कितनी लाइंस मिल जाएंगी, 64, ठीक है।
तो टोटल हम यहां पर यूज करेंगे 16 2 क्रॉस 4 डिकोडर, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 6 क्रॉस 64 लाइंस हमें चाहिए। फिर मैंने आपको क्या क्लियर करवाया था कि आप फाइनल स्टेज को देखो, फाइनल स्टेज में 16 डिकोडर है और हर एक डिकोडर के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक इनेबल। तो इनेबल जो है वो कौन देगा, वो आपको इनिशियल स्टेज से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको 16 इनेबल चाहिए, दैट मींस आपको 16 आउटपुट लाइन जनरेट करनी पड़ेंगी, तो आपके पास 2 क्रॉस 4 डिकोडर ही है यूज करने के लिए। तो 2 क्रॉस 4 डिकोडर का यूज करके अगर आपको 16 आउटपुट लाइन जनरेट करनी है, मींस आपको 4 2 क्रॉस 4 यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो जब आप 4 2 क्रॉस 4 यूज करोगे तो यहां पर 16 लाइंस जनरेट होंगी, जो कि हर एक डिकोडर के लिए क्या बन जाएगी, इनेबल। तो ये जो 16 डिकोडर आपने फाइनल स्टेज में बनाए हैं, हर एक डिकोडर के लिए इनेबल हो जाएगा आपका। इसके बाद जो मैंने आपको क्लियर करवाया था कि इनपुट्स, हर एक स्टेज में दिए जाने वाला इनपुट आपका बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो लास्ट स्टेज का इनपुट अगर मैं ईएफ यूज कर रहा हूं, तो हर एक डिकोडर को आपको क्या देना होगा, ईएफ। सेकेंड स्टेज का इनपुट अगर मैं सीडी यूज कर रहा हूं, तो हर एक डिकोडर को मुझे देना होगा सीडी, जैसा मैंने आपको बोला कि एक स्टेज में इनपुट्स ऑलवेज सेम होंगे, लेकिन एक स्टेज में जो इनपुट्स आपने यूज कर लिए उनको आप नेक्स्ट स्टेज में यूज नहीं करोगे। टोटल हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 इनपुट्स हैं हमारे पास। अब अगर आप इस स्टेज को देखते हो तो यहां पर 4 2 क्रॉस 4 डिकोडर्स थे, इसका मतलब इस स्टेज के लिए आपको 4 इनेबल्स चाहिए। तो 4 इनेबल्स के लिए आपको 4 आउटपुट जनरेट करने पड़ेंगे, दैट मींस आपको एक 2 क्रॉस 4 लेना होगा, और ये जो 2 क्रॉस 4 होगा, इसके जो 4 आउटपुट्स होंगे वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या बन जाएंगे, अगेन इनेबल। और इस स्टेज में इनपुट क्या हो जाएगा, ए और बी। और मैंने आपको क्या बोला, जो फर्स्ट स्टेज होगा आपका, फर्स्ट स्टेज होगा उसका जो इनेबल होगा वो ऑलवेज एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल सप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज को ही आप एक्सटर्नल इनेबल दोगे, आने वाले सारे स्टेजेस को आप जो फर्स्ट स्टेज है उसका आउटपुट अगले स्टेज का इनेबल, नेक्स्ट स्टेज का आउटपुट अगले स्टेज का इनेबल, इस तरीके से आपको चलते चलना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सारे के सारे इनपुट्स आपके यूज होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, स्टार्ट हमेशा लास्ट से लो, लास्ट से लेने के लिए, लास्ट से लेने के लिए आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या माइंड में रखनी है कि आपको कितने आउटपुट्स चाहिए। तो कितने आउटपुट्स चाहिए थे आपको, 64। आपके पास जो डिकोडर है 2 क्रॉस 4 उसके थ्रू कितने आउटपुट्स मिल सकते हैं, 4। तो टोटल आपको लास्ट स्टेज में 16 डिकोडर चाहिए थे, इन 16 डिकोडर के लिए 16 इनेबल चाहिए थे। तो 16 आउटपुट लाइन जनरेट करनी थी, क्योंकि हर एक आउटपुट लाइन इनेबल की तरह वर्क करेगी नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो 16 आउटपुट लाइन जनरेट करने के लिए 4 2 क्रॉस 4 चाहिए थे, तो 4 2 क्रॉस 4 के लिए 4 इनेबल चाहिए थे, और इन 4 इनेबल्स के लिए, इन 4 इनेबल्स के लिए आपको 4 आउटपुट लाइन चाहिए थी। तो आपने फिर से एक 2 क्रॉस 4 यूज किया, और जब सिंगल 2 क्रॉस 4 आ जाए ना, आपको स्टार्ट हमेशा सिंगल से लेना है, जब एक सिंगल 2 क्रॉस 4 आ जाए तो उसका इनेबल हमेशा एक्सटर्नल होगा, और आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जो इनपुट्स हैं वो भी यूज हो जाएंगे। देख लो, ए बी भी यूज हो गया, सी डी भी यूज हो गया, और ई एफ भी। बस पॉइंट माइंड में क्या रखना है कि हर एक स्टेज में यूज किए जाने वाला इनपुट सेम होगा, लेकिन एक स्टेज में जो आपने इनपुट यूज कर लिया वो नेक्स्ट स्टेज में यूज नहीं करोगे। तो फर्स्ट स्टेज में जैसे आपने ए बी यूज किया, सेकेंड स्टेज में हर एक डिकोडर के लिए आपने सी डी यूज किया, तो नेक्स्ट स्टेज में हर एक डिकोडर के लिए आपने ई एफ यूज किया। तो अब अगर आप टोटल काउंटिंग कर लो, प्रोसेस आई थिंक अब क्लियर होगा,
अब अगर आप टोटल काउंटिंग करते हो तो वन, देन सेकेंड स्टेज में फोर, कितने हो गए फाइव, और लास्ट स्टेज में 16, कितने हो गए हमारे 21. तो 21 टू क्रॉस फोर डिकोडर आपको चाहिए इफ यू वॉन्ट टू मेक 6x64 डिकोडर. ठीक है, तो ये तो कंप्लीट प्रोसेस था, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक ट्रिक भी बताऊंगा. ट्रिक बहुत जगहों में काम कर जाएगी, कुछ जगहों पे नहीं भी करेगी. जहां नहीं करेगी उसके लिए एक अलग प्रोसेस भी समझाऊंगा. तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं हम लोग. देखो, हमने इस टॉपिक में दो एग्जांपल देखे हैं. एक हम लोगों ने देखा है 6x64 यूजिंग 2x4, और एक हम लोगों ने देखा था 4x16 यूजिंग 2x4. इसमें आपको टोटल लगे थे 5 और यहां पर टोटल लगे 21. तो ट्रिक क्या है? ट्रिक हमेशा माइंड रखो, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर. जैसे मल्टीप्लेक्सर में डिवाइड करते थे ना, सेम कंसेप्ट है, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर. तो डिवाइड हमेशा आपको सेकेंड इस फोर से ही करना है. तो 64 बाय 4 कितना होता है 16, 16 बाय 4 कितना होता है 4, देन 4 बाय 4 कितना होता है 1. जैसे ही 1 आ जाए स्टॉप कर जाओ. अगर 1 नहीं आएगा तो ट्रिक काम नहीं करेगी, जैसा मल्टीप्लेक्सर में भी था. तो आंसर कितना हो गया 16 + 4 + 1 = 21. आप देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है. यहां पर भी चेक कर लेते हैं, सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर 16 by 4 कितना होता है 4, देन 4 by 4 कितना होता है 1. तो आंसर कितना आ गया 4 + 1 = 5. अगेन आप देख सकते हो सेम आंसर. तो ट्रिक तभी काम करेगी जब फाइनल आंसर 1 आ जाए. एक और पॉइंट है, अगर ट्रिक काम नहीं करेगी ना तो ये प्रोसेस भी काम नहीं करेगा. जैसा मैं आपको एक अगला एग्जांपल अभी दूंगा जिसमें आप देखोगे ट्रिक काम नहीं करेगी और इस प्रोसेस को यूज करने में भी आप डिफिकल्टी फील करोगे, तो वहां मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा. जैसा मैंने आपको कल भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर ऑर्डर डिकोडर यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर. यहां तक अच्छे से क्लियर है सबको? ट्रिक क्लियर हो गई. नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है 4x16 यूजिंग 3x8. तो मैं आपको थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं इसी टॉपिक का, ठीक है, 4x16 यूजिंग 3x8. तो अभी अभी मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई है? ट्रिक आपको बताया है कि सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, 1 आना चाहिए लेकिन लास्ट डिवीजन के बाद. तो 16 by 8 कितना होता है 2, देन 2 by 8 ये 1 से लेस हो गया, इसका मतलब 1 नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ट्रिक वर्क नहीं करेगी. तो अगर ट्रिक काम नहीं कर रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगेन जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही रहेगा जो मैंने आपको प्रोसेस में सिखाया है, कि आपके पास टोटल इनपुट्स कितने हैं 4, बट एक टाइम पे कितने यूज कर सकते हो 3, क्योंकि यू हैव 3x8 डिकोडर, बट डिजाइन क्या करना है 4x16. तो टोटल इनपुट कितने हैं हमारे पास 4 हैं. तो उन इनपुट वेरिएबल्स के नेम आप साइड में लिख लो, A, B, C, D. सॉरी. तो जो टोटल इनपुट्स वेरिएबल हैं आपके पास A, B, C, D, मैंने आपको क्या अंडरस्टैंड करवाया है कि एक स्टेज में यूज किए जाने वाले इनपुट सेम होंगे जो आप जितने भी डिकोडर यूज करो, लेकिन एक स्टेज में जो आप इनपुट यूज कर लोगे उसको आप नेक्स्ट स्टेज में यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहां पर कोई बता सकता है कि कितने स्टेज मुझे बनाने चाहिए, टोटल कितने स्टेज हमें ड्रॉ करने चाहिए? इनपुट हमारे पास टोटल 4 ही हैं, A, B, C, D, और हमें यूज करना है 3x8. दैट मींस एक टाइम पर वी नीड टू अप्लाई 3 इनपुट्स.
तो कितने स्टेजेस टोटल बनेंगे? अगर आप यहां पर अंडरस्टैंड करोगे तो 3x8 है, 3x8 दैट मींस एक टाइम पर आपको 3 इनपुट्स अप्लाई करने ही होंगे। तो अगर आपको एक टाइम पर 3 इनपुट्स अप्लाई करने हैं एक टाइम पर, और आपको फाइनल 16 आउटपुट्स चाहिए, देखो दोनों ही सिचुएशन जो है आपको एक ही पॉइंट इंडिकेट करेगी कि आपको सिर्फ एक ही स्टेज बनाना चाहिए। क्यों? सपोज करो अगर आप दो स्टेज बनाते हो, अगर आप दो स्टेज मतलब अलग अलग दो स्टेजेस बनाते हो, तो वहां पर आपको दोनों स्टेज के लिए अलग अलग इनपुट चाहिए होंगे, 3-3, तो आपको टोटल फिर 6 इनपुट्स चाहिए होंगे। लेकिन यहां पर आपके पास टोटल इनपुट कितने हैं? सिर्फ 4। तो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आप एक ही स्टेज में डिकोडर बनाते हो, एक ही लाइन में, वर्टिकल लाइन में, तो यूज किए जाने वाले इनपुट सेम होंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग लाइन में बनाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट अप्लाई करने होंगे। टोटल यहां पर सिर्फ 4 ही इनपुट्स थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक ही स्टेज बनाना होगा, क्योंकि 2 स्टेजेस के लिए आपको 6 इनपुट चाहिए होंगे, बट यू हैव ओनली 4 इनपुट्स। सो 3 इनपुट्स दोनों में आपने अप्लाई कर दिए, दोनों के दोनों 3 इनपुट्स सेम होंगे। नाउ 3x8 मींस 8 और 8, 16 आउटपुट्स आपको मिल गए। आपका टारगेट भी यही था, आपका टारगेट था कि आपको 16 आउटपुट्स चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपने तो यहां पर सिर्फ 3 इनपुट यूज किए, अभी भी एक इनपुट बच रहा है आपके पास बिकॉज यू हैव 4 इनपुट्स। सो उस फोर्थ इनपुट का हम क्या करें, उसको हम कहां यूज करें, क्योंकि यूज तो आपको सारे के सारे करने हैं। आपका जो फाइनल टारगेट है वो क्या है कि आपको 4x16 बनाना है, मींस ए बी सी डी 0000 पर क्या हाई होना चाहिए आपका, Y0, ठीक है, ए बी सी डी 0001 पे क्या हाई होना चाहिए आपका, Y1, ए बी सी डी 111 पे क्या हाई होना चाहिए हमारा, Y15। तो अल्टीमेटली फाइनल गोल तो आपका यही है कि आपको एक 4x16 डिकोडर बनाना है। तो यहां पर 4x16 की अगर हम बात करते हैं तो ऑल 4 इनपुट्स यूज होने चाहिए। तो अगर आप एक ही स्टेज में दोनों डिकोडर बना देते हो तो 3 इनपुट आपके यूज होते हैं, फोर्थ इनपुट कहां जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई बता सकता है कि फोर्थ इनपुट हमें कहां यूज करना चाहिए? फोर्थ इनपुट, वेयर वी कैन यूज द फोर्थ इनपुट, फोर्थ इनपुट हम कहां यूज कर सकते हैं, और ये जो 3 इनपुट्स हैं वो हमें कौन कौन से यूज करने चाहिए अगर AMSB है और DLSB है, जैसे मैंने यहां लिखा है AMSB DLSB, वेरी गुड, इनेबल, ठीक है। अगर आपने आंसर दिया है इनेबल तो मुझे ये बताओ AMSB है और DLSB है तो किस वेरिएबल को इनेबल लेना चाहिए ABCD में से? ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप एक वेरिएबल को इनेबल ले लोगे तो बाकी बचे 3 इनपुट बन जाएंगे। तो ABCD में से कौन से वेरिएबल को हमें इनेबल लेना चाहिए जिससे 4x16 बन जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रुथ टेबल बन पाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसको हम इनेबल लें, किसी को कोई आइडिया लग पा रहा है? देखो अगर ये आंसर करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, नहीं बता पाए तब भी कोई इश्यू नहीं। ए, चलो अगर आपने बिल्कुल सोच के बोला है ए, और अगर आंसर आपका करेक्ट होता है तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखते हैं, अगर हम ए को इनेबल लेते हैं तो बी सी डी को हमें क्या लेना पड़ेगा, इनपुट्स। अब यहां पर किस तरीके से लूं मैं ए को इनेबल, यहां पर समझो आप, पहला मेरा क्या है ए बी सी डी में 0000, तो जब ए 0 हो और बी सी डी भी 0000 हो तो वाई 0 हाई होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है वाई 0 सबसे पहला वाला होना चाहिए, मींस ये वाला डिकोडर काम करे और ये वाला डिकोडर काम ना करे, ये इंपॉर्टेंट थिंग है।
तभी तो आपको सिर्फ एक ही लाइन हाई मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट लगा दो आप एक, और ऊपर वाले डिकोडर को आप इनेबल दो और नीचे वाले डिकोडर को डायरेक्ट दे दो, ठीक है, तो उससे देखो होगा क्या। जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सबको काउंटिंग आनी चाहिए, तो हम सबको पता है कि जीरो से लेकर सेवन तक, जीरो से लेकर सेवन तक ए क्या होता है, जीरो, और एट से लेकर फिफ्टीन तक ए क्या होता है, वन। तो होगा क्या, जब आप जीरो से लेकर सेवन तक दोगे तो ए तो जीरो है, अब ये जो ए जीरो है वो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है नीचे वाले डिकोडर को, और हम एक्टिव हाई डिकोडर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला डिकोडर काम नहीं करेगा जब तक ए क्या होगा, जीरो होगा। नाउ अब यहां पर ऊपर वाले डिकोडर को हम कॉम्प्लीमेंट यूज करके अप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर वाला डिकोडर में जब ए जीरो होगा तो एक्चुअल में अप्लाई क्या होगा, वन अप्लाई होगा, तो जो आपका ऊपर वाला डिकोडर है वो वर्क करेगा। तो यहां पर देखो, फर्स्ट को देखो, जीरो, जब ए जीरो है तो ये ऊपर वाला डिकोडर वर्क करेगा, नीचे वाला वर्क नहीं करेगा। बी सी डी जीरो जीरो जीरो, तो ऑब्वियस ही बात है थ्री क्रॉस एट डिकोडर हमने कल स्टडी किया हुआ है, जब बी सी डी जीरो 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 होगा तो कौन आउटपुट हाई होगा, कौन सा आउटपुट हमारा हाई होगा, वाई जीरो। क्लियर है अच्छे से? नाउ ए जीरो अगेन आपका टॉप वाला जो डिकोडर है वो वर्क करेगा, बी सी डी क्या है, जीरो जीरो वन, तो वाई वन, सेम वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स एंड फाइनली वाई सेवन। देन जैसे ही आप एट पर पहुंचोगे, एट हमारा क्या होता है, वन ट्रिपल जीरो, तो ए आपका वन हो जाएगा। जैसे ही ए वन होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट होके ऊपर वाले डिकोडर को मिल रहा है, दैट मीन जीरो, ऊपर वाला डिकोडर अब वर्क नहीं करेगा और नीचे वाला डिकोडर वर्क करेगा। जब ए वन हो रहा है एट पर तो बीसीडी क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो बीसीडी जीरो 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 है, दैट मीन्स ये वाली लाइन हाई हो जाएगी, जिसे आप नाम दे सकते हो वाई एट। इस तरह से टोटल सीक्वेंस मिल जाएगा, जब ए वन होगा और बीसीडी वन 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 होगा तो फाइनल आउटपुट हाई हो जाएगा वाई फिफ्टीन। तो आप देख सकते हो ट्रुथ टेबल से कंपेयर करके, ये जो आपने सर्किट डिजाइन किया है उसके थ्रू आपको फोर क्रॉस सिक्सटीन डिकोडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी, ये बताना कि ए इनेबल है, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। सिर्फ एक इनपुट को इनेबल की तरह यूज करेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप ये श्योरिटी से बोल सकते थे कि ए को ही इनेबल लेना चाहिए तो फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए ही एक ऐसा वेरिएबल है जो स्टार्टिंग के एट के लिए जीरो होता है और लास्ट के एट के लिए वन होता है। तो स्टार्ट में सिर्फ ऊपर वाला डिकोडर वर्क करेगा, देन नीचे वाला। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट था, हायर ऑर्डर डिकोडर बाय यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर। और इसी के साथ हमारा डिकोडर वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। नाउ जैसा मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर के बाद ही बोला था कि मल्टीप्लेक्सर स्टडी कर लेने के बाद डीमक्स बहुत ही स्मॉल सा एक टॉपिक है, सिमिलरली डिकोडर को डिटेल में स्टडी कर लेने के बाद इनकोडर जो है वो भी काफी एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट वर्क आपको परफॉर्म करना है। तो डिकोडर क्या था हमारा, कि डिकोड दैट मींस कोई कोड होता था इनपुट साइड जिसको आप डिकोड करते थे। इनकोडर, इनकोडर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, आपको कोड बनाने होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं, आपने स्टडी किया था टू क्रॉस फोर डिकोडर, तो जस्ट आप रिवर्स कर दो, फोर क्रॉस टू इनकोडर, ठीक है। दैट मींस फोर क्या होंगे आपके, फोर होंगे इनपुट्स एंड टू क्या होंगे आपके, आउटपुट्स। तो यहां पर इनपुट्स अगर मैं आई जीरो, आई वन, आई टू, आई थ्री ले लूं, कुछ भी ले सकते हो आप, और आउटपुट्स ले लूं वाई जीरो, वाई वन। जैसा मैंने कल भी बोला था, जब मैं जीरो वन टू थ्री लूंगा तो आई थ्री वाला एमएसबी हो जाएगा, ठीक है ना। इनकोडर
इनकोडर मींस आपको कोड करने हैं. इसका मतलब क्या है, देखो i3, i2, i1, i0. दैट मींस कल जो हमने डिकोडर स्टडी किया था, होता क्या था, किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए, किसी एक कोड के लिए कोई एक आउटपुट क्या होता था, हाई होता था. ठीक है, अब यहां पर क्या है कि कोई एक इनपुट हाई होगा उसके लिए कोई कोड बोलना है. जैसे मान के चलो मेरी क्लास में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, i3, i2, i1, i0, ठीक है, और सबके अपने अपने रोल नंबर है. ठीक है, एक का रोल नंबर है 00, एक का 01 है, एक का 10 है और एक का 11 है. अब मान लो i0 ने हाथ उठाया और बोला सर आप मेरा रोल नंबर बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, आपका रोल नंबर है 00, दैट्स इट. मतलब मुझे कोड बताना है अब. ठीक है, तो चार स्टूडेंट हैं, सपोज करो कौन कौन हाई है इस टाइम, i0, i0 ने हैंड रेस किया, तो कोड क्या बोलूंगा मैं, 00. अब सपोज करो i1 ने हैंड रेस किया तो कोड क्या हो जाएगा, 01. ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें माइंड में रखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. नाउ 10 एंड लास्ट 11. तो जब भी i3 हाथ उठाएगा तो उसका कोड मैं क्या बोलूंगा, 11 बोलूंगा. तो इनकोडर है क्या, इनकोडर मींस एट वन टाइम ओनली वन इनपुट विल बी हाई एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट इनपुट यू नीड टू प्रोड्यूस अ कोड. ठीक है, देयर विल बी अ कोड एट द आउटपुट एंड. क्लियर, सो यहां पर दो आउटपुट्स हैं आपके पास 4x2 में, ऐसे ही आप 8x3 बना सकते हो. यहां पर अगर आप कंपेयर करते हो ना इस ट्रुथ टेबल को डिकोडर के ट्रुथ टेबल से, डिकोडर में आपने 2x4 डिकोडर जो स्टडी किया था, तो आप देखो अगर आपने कहीं नोट बनाए हुए हैं तो जो डिकोडर में जो इनपुट साइड था वो यहां पर आउटपुट साइड है और जो डिकोडर में आउटपुट साइड था वो यहां इनपुट साइड है. जस्ट ट्रुथ टेबल को ऐसे रिवर्स कर दो तो देखो आपका डिकोडर का ट्रुथ टेबल आ जाएगा. तो एग्जैक्टली सेम है एक्चुअल में, इसलिए इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते. आप ऐसे ही 8x3 भी बना सकते हो और कोई भी बना सकते हो. अब इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या है, आपके 4 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों आउटपुट के इक्वेशन लिखने हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आप सबसे पहले y1 का इक्वेशन लिखो, तो क्या अप्रोच होगी हमारी, सिर्फ y1 का पहले बताओ हम कैसे लिख सकते हैं y1 आउटपुट का इक्वेशन. कोई बता सकता है कि हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए y1 का इक्वेशन लिखने के लिए, क्या हम डायरेक्टली देखकर लिख सकते हैं या हमें कोई मेथड फॉलो करना होगा. अभी तक जितनी क्लासेस हमने स्टडी की है उसके बेस पर आप बता सकते हो y1 हमें इक्वेशन दोनों के लिखने हैं, बट आप जस्ट y1 के बारे में इंफॉर्मेशन दो क्योंकि y0 का सिमिलर होगा. k मैप, ठीक है, k मैप हमें क्यों यूज करना पड़ रहा है उसका रीजन बता सकते हो. बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि k मैप आपको यूज करना पड़ेगा, बट क्यों, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले प्रोसेस हमें क्लियर करना है k मैप हमें क्यों यूज करना चाहिए. तो अगर आपको याद हो कल मैंने आपको जब सिखाया था डिकोडर, तो मैंने आपको वहां बोला था कि अगर सारे के सारे इनपुट कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं तो के मैप यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 4 वेरिएबल्स हैं यहां पर, टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन सकते थे इनपुट में, लेकिन आप कितने यूज कर रहे हो, ओनली 4, तो 12 कॉम्बिनेशन जो हैं वो क्या बन गए, डोंट केयर. सो अगर आपके 12 कॉम्बिनेशन डोंट केयर हैं तो पॉसिबिलिटी है ना कि के मैप बनाने से बिकॉज ऑफ डोंट केयर आपका लार्जर सर्कल बन जाए और आपका मिनिमाइजेशन हो जाए इक्वेशन. दैट्स व्हाई जब भी डोंट केयर अवेलेबल हो ऑलवेज गो फॉर के मैप. ठीक है, तो यहां पर y1 का अगर मैं के मैप बनाऊं
तो हमारे इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं? I3, I2, I1, I0। तो ध्यान रखना है हमको कि जो इनपुट वेरिएबल है वही लेने हैं। तो के मैप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके ट्रुथ टेबल के क्या होते हैं? इनपुट वेरिएबल्स। तो 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या देखनी है? अब आपको सिर्फ y1 का लिखना है ना, तो y1 देख लो कहां कहां पर 1 है। यही तो करते हैं ना के मैप में, जहां जहां अगर आपको एसओपी फॉर्म में डिजाइन करना है तो कहां कहां पर 1 है y1? कोई बता सकता है कमेंट में कि y1 आपका किस किस पोजीशन पर 1 है? मैं के मैप में कहां कहां पर 1 लिखूं? कोई भी y1, ओनली y1। तो y1 हमारा कहां कहां पर 1 है? देख लो y1 यहां पर आपका 2 पोजीशंस पर 1 है। वो पोजीशंस कौन कौन सी हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर है 1 पोजीशन, आपने करेक्ट बोली है। सेकंड पोजीशन कौन सी होगी? सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन करेक्ट है 4। देखो यहां पर मैं ये पोजीशंस आपसे पूछ क्यों रहा हूं। एक स्टूडेंट ने एक पोजीशन करेक्ट बोली है 8, वेरी गुड। देखो ये पोजीशंस मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है हमारी कि हम डायरेक्टली 0, 1, 2, 3 ऐसे काउंट करना चालू कर देते हैं। ऐसे काउंट नहीं करना है, जो नंबर अवेलेबल है उस नंबर को देखना है। ऑल दो ओनली 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं आउट ऑफ 16, बट वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं हमें ये देखना है। तो देखो यहां पर 1, 2, 4, 8, जैसा मैंने हमेशा बोला है काउंटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको डिजिटल में 1 मार्क्स भी चाहिए तो काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग नहीं आएगी तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो 4 पर और 8 पर आपका क्या है? 1, 1। तो आप कर दो 4 पर और 8 पर, ठीक है। इसके अलावा टोटल कितने कॉम्बिनेशन आपने यूज किए? 4, 1, 2, 4, 8। 12 कॉम्बिनेशन आपने यूज नहीं किए हैं, वो पूरे के पूरे 12 क्या है? डोंट केयर, ठीक है ना। डोंट केयर का मतलब क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन आप यूज ना करो, जिनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि उस पोजीशन पर आउटपुट 0 है कि आउटपुट 1 है। तो आपको यह तो पता था कि 1 और 2 पर आउटपुट 0 है, 4 और 8 पर आउटपुट 1 है, बाकी 12 पोजीशन के लिए आपको कुछ भी नहीं पता, तो उनमें क्या लिखोगे? डोंट केयर। तो सब जगह डोंट केयर लिख दो, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे तो आपको 2 1 है ऐसे 4 और 8 पोजीशन पर जिनको आपको इनसर्कलमेंट करनी है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो एक सर्कल आपका ये बन जाएगा, इससे आपको क्या मिल रहा है? I2 देख सकते हो 8 का एक सर्कल बन रहा है, और एक सर्कल आपका डाउन वाला बन जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा हमें? I3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा Y1 का, I3 प्लस I2। अच्छे से क्लियर है सबको? तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी? ऑल दो एक ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इनकोडर के लिए, ठीक है, लेकिन हर जगह वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी, वो ट्रिक सिर्फ इनकोडर में वर्क करेगी। यहां पर मैंने आपको प्रोसेस करके क्यों शो किया? जहां पर वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी वहां पर तो आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि के मैप कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। कब के मैप यूज करना बिल्कुल कंपलसरी है? कब कंपलसरी है? जब डोंट केयर हो, ठीक है। नाउ अब ट्रिक क्या है? ट्रिक आपकी ये है, अगर आप सिर्फ y1 को देखो, और ये मैं क्लियरली बता दूं कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ इनकोडर में वर्क करेगी। देखो y1 को देखो, यहां पर y1 देखो, इस पोजीशन पर 1 है, तो इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखो कौन सा इनपुट 1 है? I2। और फिर y1 नीचे 1 है, वहां पर देखो कौन सा इनपुट 1 है? I3। तो जो जो इनपुट 1 होंगे बस उनको ऐड कर दो,
I2 प्लस I3। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, Y1 को देखो, Y1 इस पोजीशन पर 1 है, कौन सा इनपुट 1 है, I2, देन Y1 यहां 1 है और कौन सा इनपुट 1 है आपका, I3, तो आंसर क्या लिखोगे, I2 प्लस I3। ये ट्रिक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, बट हमें प्रोसेस भी पता है। नाउ Y0 के लिए, Y0 के लिए अब मैं के मैप नहीं बना रहा, आप के मैप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। Y0 को देखो ध्यान से, Y0 यहां पर 1 है, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा इनपुट 1 है आपका, I1, और Y1 लास्ट पोजीशन पर 1 है, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा इनपुट 1 है हमारा, I3। तो ये आपके आंसर्स होते हैं इनकोडर के आउटपुट्स के। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी 4x2 इनकोडर का। देखो इनकोडर में बहुत ज्यादा आपको स्टडी नहीं करना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इनकोडर मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी इनकोडर। जो अभी हम स्टडी कर रहे थे, अगर मैं उसको दोबारा रिपीट करूं आपके लिए, तो जो अभी हम स्टडी कर रहे थे उसमें आप देख सकते हो 4 इनपुट्स थे और एक टाइम पे सिर्फ एक इनपुट हाई था, और उस हाई इनपुट के रेस्पेक्ट पे मुझे करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कोड लिखना था। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मेरी क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं मान लो, तो कोई एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया तो मैंने उसके करस्पॉन्डिंग कोड बोल दिया या उस स्टूडेंट को रिस्पॉन्स किया। ठीक है, यह आपका होता है नॉर्मल इनकोडर। लेकिन मान लो 4 स्टूडेंट्स हैं और एक टाइम पे 2 स्टूडेंट्स ने या 3 स्टूडेंट्स ने हाथ उठा दिया, तो अब मैं कौन सा कोड बोलूंगा या किस स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा, तो ये अब होता है प्रायोरिटी इनकोडर। नॉर्मल इनकोडर क्या था, 1 time 1 input या 1 student। तो अब आप देखो प्रायोरिटी इनकोडर होता क्या है। तो बेसिकली प्रायोरिटी इनकोडर में जब एक टाइम पे एक से ज्यादा इनपुट्स हाई होंगे, तो मुझे फिर प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं किस इनपुट को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो नाम से ही क्लियर है प्रायोरिटी। तो यहां पर सपोज करो, अगर मैं 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर डिजाइन करूं, तो यहां पर हमारे पास 4 इनपुट्स होंगे, I3, I2, I1 और I0। ठीक है, तो मैं अगर प्रायोरिटी डिसाइड कर लूं कि I3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, देन I2 की, देन I1 की, देन I0 की। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो मैं बाकी देखूंगा भी नहीं कि कोई और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं सबसे पहले उसी स्टूडेंट को क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। वो स्टूडेंट कौन है, I3 है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि जब चारों के चारों क्वेश्चन ना पूछे, ये भी एक बन सकता है आपका ऑप्शन। अब देखो 4 स्टूडेंट है, चारों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, 4 इनपुट है, चारों में से कोई भी हाई नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब चारों में से कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं रिस्पॉन्ड क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस केस पे क्या होगा, डोंट केयर। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं का मतलब 0-0 नहीं होगा, क्योंकि 0-0 तो I0 का कोड है। ठीक है ना, 0-0 भी एक कोड है, ध्यान रखना है हमें। तो जब चारों में से कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा तो क्या होगा, डोंट केयर। नाउ अब हम प्रायोरिटी इनकोडर पढ़ रहे हैं और I3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मान लो अगर I3 ने हैंड रेस किया, I3 ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब I2, I1, I0 चाहे कुछ भी करें, क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन ना पूछें, मैं बिल्कुल सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि I3 ने क्वेश्चन पूछ लिया है, इसका मतलब मुझे I3 का आउटपुट लिख देना है। तो इसका मतलब क्या होगा, I2, I1, I0 चाहे क्वेश्चन पूछें, चाहे क्वेश्चन ना पूछें, दैट मींस उनकी वैल्यू चाहे 0 हो, चाहे उनकी वैल्यू 1 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आंसर किसका लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ I3 का। और I3 का आंसर क्या था, 1-1। आपने अभी अभी देखा है नॉर्मल इनकोडर में कि I3 के रेस्पेक्ट में आपने क्या लिखा था, 1-1 लिखा था। नाउ
I2 को मैं कब रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है कि I3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो जब तक I3 हाई होगा मैं I2 को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो I2 को रिस्पॉन्ड हम तभी कर सकते हैं जब I3 क्या हो, आपका लो हो। तो यहां पर अगर आपका I3 लो है और I2 हाई है तो आई विल रिस्पॉन्ड टू I2, बट जब I2 हाई होगा, चूंकि I2 की प्रायोरिटी सेकेंड नंबर की है, तो I1 I0 चाहे 1 हो चाहे 0 हो, हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और आउटपुट किसके रेस्पेक्ट में लिख देंगे? I2 के रेस्पेक्ट में। I2 के रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या था हमारा? 1 0। क्लियर? नाउ अगर हमारे अगर हमारे I3 और I2 दोनों के दोनों 0 है और I1 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है I1 की प्रायोरिटी I0 से ग्रेटर है, सो वी विल रिस्पॉन्ड टू I1। तो उस केस में I0 चाहे 1 हो चाहे 0 हो, वी डोंट केयर। सो आंसर क्या हो जाएगा? 0 1। और एट लास्ट जब I3 I2 I1 ऑल आर जीरोस, देन I0 अगर 1 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0। तो बेसिकली यही होता है हमारा प्रायोरिटी इनकोडर। ऑल्दो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसके आउटपुट्स भी देखने हैं, आउटपुट्स के इक्वेशन लिखने हैं, बट जो बेसिक था वो यही था आपके लिए। सबको क्लियर है अच्छे से? किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पे? यहां पर अब जो नेक्स्ट टास्क हमारे लिए है प्रायोरिटी इनकोडर में, किस पॉइंट से रिपीट करना है? देखो, नॉर्मल इनकोडर अगर आपको क्लियर है, नॉर्मल इनकोडर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि एक टाइम पे अगर कोई इनपुट, ओके डोंट केयर रिपीट करना है। तो देखो, डोंट केयर का मतलब क्या है? डोंट केयर का मीनिंग क्या होता है? 0 हो या 1 हो, वी डोंट केयर, ठीक है ना? तो जैसा मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेके बताया कि अगर I3 ने क्वेश्चन पूछा है या अगर आपका I3 हाई है, I3 की प्रायोरिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो I2 I1 I0 क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन ना पूछे, दैट मीन्स उनकी वैल्यू 0 हो उनकी वैल्यू 1 हो, डोंट केयर। आपको आंसर किसका लिखना है? सिर्फ और सिर्फ I3 का। सिमिलरली जब I3 0 हो और I2 1 हो, तो I2 की प्रायोरिटी क्या है? I1 I0 से ज्यादा है। तो I1 I0 क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, उनकी वैल्यू 1 हो या 0 हो, डोंट केयर। तो आप आंसर सिर्फ किसका लिखोगे? I2 का, ठीक है? ओके, सो अगर मैं आपको बोलूं कि अब हमें आउटपुट के इक्वेशंस लिखने हैं, दैट इज फॉर Y1 एंड Y0, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले ना ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना होगा। ये जो ट्रुथ टेबल है ना, ये स्मॉल फॉर्मेट में है, शॉर्ट फॉर्मेट में है। तो आप देखो, मैं यहां ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करने जा रहा हूं, सबको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? सबको अच्छे से देखना है और एक ही बार में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है सबको। बिल्कुल आराम से देखो, ट्रुथ टेबल कितने वेरिएबल है टोटल? 4। कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए? 16, ठीक है? अब देखो, पहला कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0 0 0 0। देखो हमारे पास अवेलेबल है 0 0 0 0, क्या हो जाएगा? क्रॉस क्रॉस। ये क्लियर पहला कॉम्बिनेशन? नाउ अगला कॉम्बिनेशन क्या होता है? काउंटिंग आनी चाहिए ना, ये ध्यान रखना। 0001, 0001 भी डायरेक्टली अवेलेबल है, उस पर कितना है? 0 0। नाउ अब ध्यान से समझो, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन तो डायरेक्टली अवेलेबल थे। अगला कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0 0 1 0, ठीक है? अब देखो 0 0 कहां दिख रहा है? ये यहां दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है 0 0 1। देखो लास्ट में लगा है डोंट केयर। अब डोंट केयर में बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहा हूं, डोंट केयर मीन्स 0 या 1, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो 0 0 1, अब ये डोंट केयर चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आंसर हमेशा क्या रहने वाला है? 0 1। मीन्स 0 0 1 अगर आ गया तो 0 0 1 0 हो तब भी आंसर 0 1 होगा, 0 0 1 1 हो तब भी आंसर क्या होगा? 0 1।
यहां तक क्लियर है सबको? नाउ इसको देखो, अगला कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? 0100। तो इसको देखो 01। अब ये दोनों क्या है? क्रॉस क्रॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर 01 होता है I30 और I21, फिर I1 I0 की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा आंसर क्या होगा? 10। क्लियर? तो कोई बता सकता है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहां पर? 01 है, I3 I2 और I1 I0 क्रॉस क्रॉस है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन के लिए आंसर आप 10 लिखोगे? वेरी गुड, 4 कॉम्बिनेशन। तो 01 00 01 01 01 10 01 11। क्यों 4 कॉम्बिनेशन के लिए लिखा हम लोगों ने? देखो, दो डोंट केयर थे। दो डोंट केयर का मतलब क्या है? दोनों डोंट केयर 00 हो, दोनों डोंट केयर 01 हो, दोनों डोंट केयर 10 हो या 11 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर I3 I2 01 है तो हम अपना आंसर 10 ही लिखेंगे। देख लो, 00 01 10 11, दैट्स इट। नाउ लास्ट देखो, 1 ट्रिपल क्रॉस, उस पर आंसर क्या है? 11। इसका मतलब क्या है कि अगर I3 1 होता है, देख लो अभी तक I3 एक बार भी 1 नहीं था, लेकिन अब अगर I3 1 होता है तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज I2 I1 I0 000 से लेकर 111 तक कुछ भी हो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 11। तो 1000 1001 1010 1011 1100 1100 1 1100 4 times 1, सबके लिए आंसर आपका क्या होगा? 11। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपने टोटल 16 कॉम्बिनेशन के लिए यहां ट्रुथ टेबल बना लिया है। अब टोटल 16 कॉम्बिनेशन के लिए ट्रुथ टेबल बन जाने के बाद अब हम यहां पर निकाल सकते हैं Y1 और Y0 की वैल्यू। यहां पर अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ऑल दो मैं बहुत बार सिखा चुका हूं लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि Y1 और Y0 जब आप इन आउटपुट्स को निकालने के लिए जाओगे तो अगर कहीं भी डोंट केयर दिख रहा है, जैसा आपको 0000 पर दिख रहा है, हमेशा के मैप को फॉलो करो। ठीक है, ऑल दो पूरे के पूरे 16 कॉम्बिनेशन है लेकिन Y1 और Y0 में 0000 पर डोंट केयर तो है ना, तो आपको के मैप फॉलो करना है। और मान लो डोंट केयर नहीं भी होता, फिर भी चूंकि इतना बड़ा इक्वेशन था, इतने सारे वन थे, तो मिनिमाइजेशन करने के लिए के मैप से अच्छा कोई टूल नहीं है, तो ऑलवेज गो फॉर के मैप। तो यहां पर कोई एक हम लोग क्लास में कर लेते हैं और एक आपके लिए होमवर्क होगा। तो हम लोग Y1 को निकाल लेते हैं और अगर मीन वाइल किसी का आंसर आ जाता है Y1 का तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है अपना आंसर। तो Y1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर, तो आपको 4 वेरिएबल का के मैप बनाना होगा जैसा हमने अभी अभी किया था नॉर्मल इनकोडर के लिए भी। Y1 के लिए आपको बनाना है, तो Y1 आप देख लो, आपको पता ही है काउंटिंग क्या होती है, 0 1 2 3 अप टू क्या होता है 15 तक। तो Y1 देख सकते हो 0 पर क्रॉस है, 0 पर डोंट केयर, देन Y1 आपका 4 पर 5 पर 6 पर 7 पर 4 से लेके 15 तक सब पे 1 है Y1। आप चेक कर सकते हो यहां पर ट्रुथ टेबल से 4 से लेकर 15 तक एक का आंसर आया है I2 प्लस I3। चेक कर लेते हैं हम लोग, यस वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है I2 प्लस I3, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आ गया Y1। ठीक है, इसी तरीके से आप घर में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो Y0 की। क्लियर है सबको अच्छे से? अगर आप बात करते हो कॉम्बिनेशनल सर्किट की तो मेजर टॉपिक आपके फिनिश हो चुके हैं। यहां पर मैं एक दो टॉपिक और लूंगा, बहुत ही छोटे से टॉपिक है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशनल पूरा फिनिश हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्लास से हम सिक्वेंशियल की तरफ मूव करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हमें पढ़ना है वो आप हेडिंग डालोगे हैजार्ड।
HAZARD हैजार्ड। तो ये हैजार्ड होता क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है थ्योरी में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो हैजार्ड है क्या, पहले आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। हैजार्ड बेसिकली आपका अनवांटेड आउटपुट है ड्यू टू द प्रोपगेशन डिले इन द लॉजिक गेट्स। हैजार्ड क्या है, अनवांटेड आउटपुट ड्यू टू द प्रोपगेशन डिले इन द लॉजिक गेट्स। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा और इस थ्योरी को क्लियर करवाऊंगा कि ये थ्योरी क्या है। देखो मैंने यहां पर एक एग्जांपल क्रिएट किया है, एक एंड गेट यूज किया है और एक नॉट गेट यूज किया है, आपको क्लियरली विजिबल होगा यहां पर। तो y मेरा आउटपुट है और a मेरा इनपुट है, कोई बता सकता है y कितना होगा, y का आंसर क्या होगा, y कितना होना चाहिए हमारा, a हम जीरो, वेरी गुड, इससे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, डायरेक्टली दिख रहा है a इंटू a बार कितना होता है जीरो। देखो हमें पता है जीरो होगा, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब अगर मैं डायग्राम वाइज आपको शो करूं, मान लो आपको डायग्राम दिया है ऐसा a, तो यहां पर आपको पता है जो एंड गेट है उसके दो इनपुट्स हैं a और a बार, ठीक है। तो a बार क्या हो जाएगा आपका, अगर a आपका जीरो है तो a बार वन, और अगर a वन है तो a बार क्या होगा, जीरो होगा। और अगर आप मल्टीप्लाई करो, एंड गेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो, वन इंटू जीरो भी क्या होगा, जीरो। तो आपको जो y है, y कितना मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर भी है, डायरेक्टली हमें दिख रहा है। लेकिन मैंने डेफिनेशन क्या लिखाई आपको, हैजार्ड क्या होता है, अनवांटेड आउटपुट ड्यू टू द प्रोपोगेशन डिले इन द लॉजिक गेट। तो यहां पर आउटपुट मेरा जीरो आ रहा है इस ऑपरेशन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए। अब मान लो मैं एक केस ले रहा हूं, देर इज अ प्रोपगेशन डिले इन नॉट गेट, ठीक है ना, नॉट गेट में प्रोपगेशन डिले है टीपीडी, नॉट गेट में प्रोपगेशन डिले है टीपीडी। तो देखो होगा क्या, मैं फिर से यहां पर ए ले रहा हूं। अब यहां पर समझने वाला पॉइंट क्या है, मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने प्रोपगेशन डिले लिया है नॉट गेट में। तो देखो ये जो एंड गेट है ना उसके दो इनपुट है ए और ए बार, अगर नॉट गेट पे प्रोपगेशन डिले हो गया, प्रोपगेशन डिले मतलब क्या, नॉट गेट थोड़े टाइम के बाद आउटपुट देगा, जिस टाइम पे इनपुट अप्लाई किया जा रहा है उस टाइम पे आउटपुट नहीं देगा। जैसा कि यहां पर देखो, यहां पर कोई प्रोपगेशन डिले नहीं था, तो देखो जहां से इनपुट ए स्टार्ट हो रहा है वहीं से ए बार स्टार्ट कर दिया था मैंने, जब ए जीरो था तो ए बार वन था, और देखो जहां पर ए आपका वन हुआ वहीं से ए बार मैंने जीरो कर दिया था, मीन्स जिस टाइम पे इनपुट उसी टाइम पर आउटपुट। बट यहां पर ऐसा नहीं है, अब आपका प्रोपगेशन डिले है, मतलब ए जीरो जिस टाइम से स्टार्ट हो रहा होगा उससे थोड़ा देर में आपका ए बार आउटपुट मिलना शुरू होगा। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप अगर डायग्राम वाइज देखोगे तो ये जो टाइम है जो मैंने डॉटेड लाइन से यहां पर ड्रॉ किया है, ये एक ऐसा टाइम होगा जिस पे ए और ए बार दोनों एक साथ वन होंगे, और आपको पता है कि आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब ए और ए बार दोनों एक साथ वन होंगे तो आंसर उस टाइम के लिए कितना मिल जाएगा हमें, वन। जबकि आइडियली आंसर क्या मिलना चाहिए था, जीरो, बिकॉज वी नो दैट ए इंटू ए बार इज जीरो। तो आइडियल आंसर जो जीरो मिलना चाहिए था लेकिन कुछ टाइम के लिए वन मिल गया, तो इस तरह के हैजार्ड को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक जीरो हैजार्ड, स्टैटिक जीरो हैजार्ड।
मैं फिर से यहां पर इस कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, नॉट गेट में मैंने डिले लिया है टीपीडी का, ठीक है, एंड गेट में मैंने कोई डिले नहीं लिया, मुझे जस्ट एक एग्जांपल क्रिएट करना था। नॉट गेट में डिले का क्या मतलब है कि ए जिस टाइम पे नॉट गेट पे अप्लाई होगा, आप देख सकते हो एक इनपुट है जो एंड गेट पे भी जा रहा है और नॉट गेट के थ्रू फिर से किस पे जा रहा है, एंड गेट पर। तो ए जो है वो जब नॉट गेट पर अप्लाई होगा तो आपको डायरेक्टली ए बार नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के बाद आपको ए बार मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है ना आपका, एक्स एक्सिस वो बेसिकली टाइम एक्सिस है, ठीक है। इफ अदर इनपुट ऑफ एंड गेट देन इट विल टेक हाई वोल्टेज, कौन सा अदर इनपुट, ओके ठीक है। नाउ ये क्लियर हो गया, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे लिए है, स्टैटिक जीरो हैजार्ड, इसका क्या मीनिंग है, देखो जब आपको ना आउटपुट जीरो मिलने वाला हो, जैसे आइडियल केस पे आपको आउटपुट जीरो मिलने वाला था लेकिन कुछ एरर आ गई, कुछ टाइम के लिए वन मिल गया, तो इसको बोलोगे स्टैटिक जीरो हैजार्ड, मीन जीरो मिलना चाहिए था उसमें हैजार्ड है, एरर है। अगर आपको आउटपुट मिलना चाहिए था वन और उसमें अगर कुछ टाइम के लिए जीरो मिल गया तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वन हैजार्ड, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, बिल्कुल थ्योरिकल टॉपिक है, तो हैजार्ड की मीनिंग हमें क्लियर होनी चाहिए। नाउ यहां पर कोई एक्सप्लेन कर सकता है या कोई आंसर बता सकता है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए वन है ये किसके इक्वल होगा? कोई जरूरी नहीं है कि वो हाई वोल्टेज बाय डिफॉल्ट देगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक लेवल यूज कर रहे हो, वो हाई भी ले सकता है और लो भी ले सकता है, आप कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हो उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब्सेंट अगर होता भी है, सपोज करो अगर अब्सेंट होता भी है आपका आउटपुट, तो सिर्फ इस टाइम के लिए अब्सेंट होगा क्योंकि उसके बाद तो इनपुट्स हमेशा अवेलेबल ही है, आप चेक कर सकते हो ए भी अवेलेबल है और ए बार भी, सिर्फ इस टाइम में जो डिले हो रहा है उस टाइम पे अब्सेंट होगा, लेकिन कंसेप्ट हम इस टाइम पे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नो डाउट हाई वोल्टेज भी ले सकता है या लो वोल्टेज भी ले सकता है, डिपेंड अपॉन द लॉजिक, लेकिन कंसेप्ट जो हमें सीखना है वो यहां पर जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारे एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है, यहां पर आपके दोनों के दोनों इनपुट अवेलेबल है और वो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है आपका, वन आ रहा है। और अगर यहां पर अब्सेंट इनपुट को वो जीरो या वन कुछ भी ले भी ले तो पहले तो जीरो ही है ना ए, तो वो बाय डिफॉल्ट तो आपको जीरो ही मिलेगा क्योंकि ए जीरो होने के कारण जो स्टार्टिंग से अप्लाइड होगा एंड ऑपरेशन में आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो कोई बता सकता है कि ये टाइम कितना होगा, दिस टाइम जिसमें वो कुछ टाइम के लिए वन हो रहा है वो टाइम किसके इक्वल होगा? कोई भी ये टाइम हमारा कितना होना चाहिए? जिसके लिए आपका वन आ रहा है आउटपुट, आप खुद ही यहां पर लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए यह आउटपुट वन आएगा जितने टाइम के लिए यहां पर डिले हुआ होगा, क्योंकि अगर डिले नहीं हुआ होता तो यहां पर क्या होता हमारा, जीरो एंड इट विल बी वन। बट जितना डिले होगा, जितना ये साइड शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, जितना क्या होगा डिले, तो कितना टाइम होना चाहिए हमारा टीपीडी, जितना डिले होगा उतने ही टाइम के लिए आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल था हैजार्ड का। नाउ कॉम्बिनेशनल में लास्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है दैट इज थ्री स्टेट गेट्स। ये भी बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है। थ्री स्टेट गेट्स क्या होते हैं हमारे, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर ये सी यहां पर कनेक्टेड नहीं होता तो ये कौन सा फिगर है हमारा,
इफ देर इज नो सी देन ये आपका फिगर कौन सा फिगर शो कर रहा है, मीन्स आउटपुट क्या आना चाहिए था अगर सी का कोई कंसेप्ट नहीं होता तो? नॉट गेट का मतलब होता है यहां पर जब आपका बबल लगा हो, बबल मीन्स नॉट गेट, बबल नहीं है यहां पर तो एक्चुअल में ये वर्क करता है लाइक अ बफर। बफर मीन्स जो इनपुट होगा वही आपका क्या होगा आउटपुट होगा। तो यहां पर y विल बी इक्वल टू a, ठीक है ना, जब नॉट गेट आप यूज करते हो और अगर आपका सर्कल नहीं बना हुआ है यहां पर, बबल नहीं बना है, देन इट विल बी अ बफर, दैट मीन्स सेम इनपुट सेम आउटपुट y इक्वल टू a। नाउ यहां पर इस c की क्या मीनिंग है हमारी, थ्री स्टेट गेट, थ्री स्टेट की मीनिंग क्या होती है सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। देखो किसी भी डिजिटल लॉजिक में दो स्टेट होते हैं, आइदर जीरो और वन, थर्ड स्टेज भी एक अवेलेबल होता है, वो क्या होता है y इक्वल टू a व्हेन c इक्वल टू वन, c मीन्स एनी कंट्रोल इनपुट एंड y इक्वल टू हाई z व्हेन c इक्वल टू जीरो। अब क्या मीनिंग होती है इस हाई z की, ये आपका होता है थर्ड स्टेट, हाई z मीन्स हाई इंपेडेंस। तो बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर करवाऊं तो हाई जेड या हाई इंपेडेंस की मीनिंग क्या होती है हमारी, कि आपको वो आउटपुट कंसीडर ही नहीं करना, मींस ओपन। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए मैं यहां पर डायरेक्टली एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, उससे आपको ये जो कंसेप्ट है हाई जेड का वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट सिंपल लैंग्वेज में सी अगर वन है तो नॉर्मल मिल रहा है आपको y इक्वल टू a लाइक अ बफर, लेकिन अगर कंट्रोल आपका जीरो है देन इट विल गो इनटू द थर्ड स्टेज विच इज कॉल्ड हाई इंपेडेंस। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर जो एग्जाम्पल है हमारा उसमें देखो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक आपका सी कंट्रोल है और यहां पर थ्री स्टेट गेट्स लगे हुए हैं, और थ्री स्टेट गेट्स पे जो ऊपर वाला गेट है उस पर जो आपका कंट्रोल जा रहा है वो आप देख सकते हो वाया नॉट गेट जा रहा है, और नीचे वाले गेट पे जो कंट्रोल है आपका वो डायरेक्टली है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको एनालाइज करवाऊं इस सर्किट को तो उससे आपको इस गेट का नॉलेज मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, सपोज करो कि अगर आपका सी जीरो है, सी जीरो है तो सी जीरो होने पर आप देख सकते हो जो ऊपर वाला थ्री स्टेट गेट है उसमें कॉम्प्लीमेंट होके कंट्रोल अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ऊपर वाले गेट के लिए कंट्रोल क्या होगा हमारा वन हो जाएगा। और मैंने क्या लिखा है, जब कंट्रोल वन हो तो क्या मिलता है आउटपुट एज इट इज, ठीक है। और जब सी जीरो होगा तो नीचे वाले के लिए देखो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो उस केस पे हाई जेड, हाई जेड का मतलब क्या समझाया मैं आपको कि आपको आउटपुट कंसीडर ही नहीं करना। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर फिगर बना दूं आपके लिए ए यहां पर बी, तो ये जो आपका आउटपुट है वाई वो आपको सिर्फ जो ए वाला इनपुट है उसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा a, दैट मीन्स ये जो लाइन है ये जो b के रेस्पेक्ट में जो गेट है वो लाइन जो है वो ओपन हो जाएगी, वो आउटपुट में आपकी इंक्लूड नहीं होगी। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a, जब आप c की वैल्यू क्या लोगे जीरो, दैट मीन्स बस आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि जब भी कंट्रोल वन अप्लाई होगा वही आउटपुट आपको लेना है, और आउटपुट क्या है गेट आपका क्या है लाइक अ बफर, तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो यहां पर जब आप सी की वैल्यू वन लेते हो तो आप देख सकते हो जो ऊपर वाला गेट है आपका
उसमें क्या हो जाएगा, जीरो, कंट्रोल जीरो, तो ये वाला आउटपुट आपको नहीं लेना। जब आप सी वन लोगे तो नीचे वाले गेट के लिए कंट्रोल क्या होगा, वन, तो वो आउटपुट आपको लेना होगा। मतलब y कितना हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। क्लियर? तो कोई बता सकता है इस ऑपरेशन के बाद कि ये जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया है, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है? मींस जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट अभी तक हमने पढ़े हैं लास्ट टू टू थ्री क्लासेस में, उसमें से कोई एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये, तो कोई बता सकता है? कॉम्बिनेशनल, एक्सओआर की बात नहीं कर रहा, एक्सओआर इज अ लॉजिक गेट। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमने स्टडी किए हैं, सोचो, माइंड लगाओ, जब सी जीरो था तो वाई ए के इक्वल आया, जब सी वन था तो वाई बी के इक्वल आया। सोचो, थिंक करो, कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये? जस्ट 30 सेकेंड है आपके पास। कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जब C जीरो है तो Y आपका कितना आ रहा है, A, C वन है तो Y B। चलो एक हिंट दे रहा हूं मैं, A और B आपके दो इनपुट्स हैं, ठीक है? C जब जीरो था तो एक इनपुट गया A, जब C वन था तो दूसरा इनपुट गया B आउटपुट में। अब बताओ कौन सा सर्किट है ये? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में थ्योरी वाइज, चार ऑप्शन आपको दे देगा, तो एक टाइम पे आपका एक इनपुट जो है वो आउटपुट में जा रहा है। तो यहां पर हमारे टोटल टू इनपुट्स थे और सी जो था वो डिसाइडिंग फैक्टर था कि कौन सा इनपुट कब जाएगा आउटपुट में। तो ये बेसिकली था आपका टू क्रॉस वन मक्स, टू क्रॉस वन मक्स। जब सी जीरो था, सी वर्क लाइक अ सेलेक्ट लाइन, जब सी जीरो था तो ए गया आउटपुट में, जब सी वन था तो बी गया आउटपुट में। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट था आपके लिए, थ्री स्टेट गेट्स। सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? तो थ्री स्टेट गेट्स में आपको आउटपुट कब लेना है, जब आपका जो कंट्रोल हो वो क्या हो, वन हो। जब कंट्रोल जीरो होगा तो उसका आउटपुट नहीं लेना है, वो आपका थर्ड स्टेट में चला जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा टू क्रॉस वन मक्स। किसी को कोई डाउट है पूरे टॉपिक में? ठीक है, तो आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो यहां पर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास से अब हम स्टार्ट करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, और सिक्वेंशियल सर्किट में सिर्फ एक ही टॉपिक आपको आगे लेकर चलना है, दैट इज कॉल्ड के मैप। तो के मैप को अच्छे से रिवाइज कर लेना जिसको अभी भी कोई डाउट है। ठीक है, थैंक यू।